हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज का दिन सारा का सारा ऐसे ही जाएगा। पानीपत घुमाऊंगा, आपको दिखाऊंगा हमारे पानीपत में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। बाकी आज ज़्यादा बड़ी वीडियो बनने वाली है, तो बने रहिए लास्ट तक और देखिए, मज़ा आएगा। बोर नहीं करूँगा ज़्यादा, बेसिक से ज़्यादा बड़ी वीडियो बन जाए। तो चलो दिखाते हैं। चलो भाई, निकल तो लिए फिलहाल। और बाकी आज की राइड मेरे ख्याल से बहुत तगड़ी होने वाली है, क्योंकि आज की ये वीडियो इतनी लेंथी है भाई, नहीं समझ पाओगे। बाकी मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि हमारे पानीपत में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। बाकी यार बहुत मौज है यहाँ पे हमारे पानीपत में, तो लास्ट तक बने रहना भाई। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लेना, क्योंकि मौसम देखो कितना सुहाना हो रखा है। और भाई इतने सुहाने मौसम में भाइयों का प्यार नहीं मिलेगा तो क्या है यार। नीचे एक सेकंड लगता है, जाके सब्सक्राइब कर लो। बाकी तुम्हारा भाई खाटू श्याम की ट्रिप नहीं निकाल पाया, क्योंकि अगले महीने कह रहे हैं घर के मेरे पापा और चाचा लोग, सब मना कर दिया था कि अगले मंथ चले जाना, भाई को भी लेके चले जाना छोटा वाला, तो उनके साथ जाऊंगा। और खाटू श्याम जाएंगे या धनोल्टी साइड निकलेंगे वो देखो, लेकिन ट्रिप बड़ी ज़बरदस्त होगी जो भी होगी। तो भाई वही है, थोड़ा सफ़र करो फल अच्छा मिलता है। तो भाई मैं तो थोड़ी देर ही करने में वो रखता हूँ। हो भाई, मेरे को उस साइड जाना है यार, इस साइड की गाड़ी ना जाना है। तो भाई वो ही है, अभी थोड़ा पोस्टपोन हो रखा है, कैंसिल नहीं है कुछ भी, मेरी तरफ से कुछ भी कैंसिल नहीं होता भाई। थोड़ा पोस्टपोन हो सकता है पर कैंसिल मैं कुछ नहीं करता। और चलो जब तक देखो कब तक होगा। बाकी अगले अगस्त के महीने के मैं 13 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख 3 दिन टूर पे रहूँगा, ये तो पक्का है। बाकी देखो क्या रहता है, ट्रिप तो मैं जो निकालूँगा ज़बरदस्ती निकालूँगा। मेरे को ये नहीं है कि ऐसी टुचू मुचू कुछ करना है, नहीं भाई, भाइयों का प्यार चाहिए, भाइयों को चीज़ दिखानी है। और मेरी मोटो व्लॉगिंग पता नहीं आप लगी लोगों को पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, वो मेरे को नहीं पता भाई, वो आप ही जज कर सकते हो भाई। क्यों, मैं तो मेहनत में विश्वास रखता हूँ, तो मेहनत करूँगा जितनी हो सकेगी। बाकी तो भाइयों का प्यार बता ही देगा कि मेहनत रंग ला रही है कि नहीं ला रही है, वो तो भाई आप ही बताओगे। मैं तो भाई ऐसे ही वेला घूमता रहता हूँ। अभी जा रहा हूँ, शाम तक ड्यूटी भी करूँगा और फिर उसके बाद तो आपको लिए भी वीडियो भी बनाऊँगा भाई। बहुत करना पड़ता है यार, सब कुछ करना पड़ता है। मेरे को पता है क्या क्या लाइफ में क्या क्या है। बहुत ऐसे लोग हैं जो थोड़ा सा मैंने कुछ किया है ना, लोग उसके लिए भी करते हैं कि भाई इसने इतना कर लिया है तो थोड़ा सा और मैं भी कुछ कर लेता हूँ। अब ये देखियो ये गुंडा हंस रहा है देख के, ब्लॉगर। हाँ ब्लॉगर आजा, ब्लॉग शूट कर रहा है। हाँ लेट हो गया आज, पाठक और तो निकल गए होंगे। अच्छा तो ये भाई मैं थोड़ी सी लाइफ में कुछ भी कर लेता हूँ, अपनी जॉब भी कर लेता हूँ और व्लॉगिंग भी कर लेता हूँ, भाइयों के लिए वीडियो भी बना लेता हूँ। रात को ये सोचो इतना सब कुछ करने के बाद मैं कितना थक जाता हूँ, और फिर भी भाई बाद में बचती है क्या सबसे मेहनत वाला काम, एडिटिंग और जो फ्रंट का पोस्टर बनाना होता है, वो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है मेरा पोस्टर बनाने में।
क्योंकि भाई ना तो मैं लैपटॉप यूज़ करता ना कुछ करता, फ़ोन के अंदर ही सब कुछ कर लेता हूँ, मेरे को आदत पड़ी हुई है भाई। तो आगे जाके कुछ लूँगा तो देखूँगी, और धीरे धीरे सभी चीज़ जुड़ जाएंगी भाई। ये तो सभी कहते हैं, जो भी चीज़ जुड़ती हैं सभी धीरे 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 करके एक साथ हो जाती हैं। बाकी भाई कर तो रहा हूँ अभी व्लॉगिंग का, अब किया है तो किया है, अब ये शौक है भाई, इसका भी क्या कर सकता हूँ मैं, ये भी एक किस्म का शौक ही लगा लो या कुछ ही लगा लो। पर अगर इस शौक के लिए आप मरते हो भाई, वो चीज़ पूरी करनी चाहिए जो आपके दिल ने कहा है। मन में ये रहना जाए कि भाई काश मैं कर लेता, काश ये कर लेता वो कर लेता, ना भाई मैं काश वाला तो बंदा हूँ नहीं। लोग कहें चाहे कुछ भी कहें लोग, मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता भाई, जो मेरे को करना है वो करना है, ये मेरे घर वालों को भी पता है। अब थोड़ा सा तो मेरे घर वाले भी पॉजिटिव होने लग गए कि हाँ बच्चा मेहनत कर रहा है। मेरे चाचा और को भी दिखता है यार बच्चा मेहनत कर रहा है, चल करने दे। मैं कहीं भी बाहर ट्रिप के लिए कहता हूँ तो कहते हैं मेरे साथ चल पड़ियो कोई ना, तेरी वीडियो बनानी है तेरे को वीडियो मैं बनवाऊँगा। ये चाचा लोग भी कहते हैं भाई, उनको पता है दिख रहा है बच्चा हमारा मेहनत कर रहा है, ये सभी को दिखता है। अपने बच्चों को सबको पता होता है, सभी माँ बाप को चाचा ताऊ को सभी को पता होता है हमारा बच्चा क्या कर रहा है, किस लाइन में है, गलत तो नहीं कर रहा है, ये सभी को पता होता है। तो चलो भाई शाम को मिलूँगा जल्दी, और यहाँ से ड्यूटी ख़त्म करके फिर मिलूँगा आपको सीधा शाम को, और घुमाऊँगा आज और पाठक को भी साथ में ले लूँगा। और तब तक अंदर फ़ोन ऐसे अलाउड नहीं है भाई, मैं इसको उतार के फिर जाऊंगा अंदर। तो भाई निकल तो गए हैं, पर ये आगे ट्रैक्टर वाला पता नहीं कैसे आ गया भाई, एकदम स्लिप मार के आया बहुत स्पीड में, बीच में ही आ गए। देख 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 क्या कर रहा है भाई। मेरा बेटा यार दोस्त है, ये कंपनी में खास है यार भाई, है अश्विनी है नाम इसका, ऐसे मजाक करते रहते हैं हम तो साथ में। बेटे ब्रेक ना मार, फटाक से निकल लूं पानीपत के लिए। भाई साहब क्या मस्त ऑटो वाले तो एकदम मस्त रहते हैं भाई साहब, एक एक नंबर के गाने चलाएंगे, गाने भी ऐसे ऐसे चलाएंगे ये बंदा बैठने तरसे है कि यार बैठा ले यार गाने सुनने दे भाई। अभी तो वैसे भी बंदे पागल हो रहते हैं गानों के पीछे। तो चलो पानीपत की सैर करवा के लाता हूँ। हाँ मेरा थोड़ा सा टाइम खराब होगा, पर भाई कुछ करवाना है तो क्या कहाँ जाएगा, बैठ जा भाई छोटे उस्ताद। किस जाओगा अड्डे पे, बच्चों को तो लिफ्ट दे दो, पर जो एक्स्ट्रा अगर अलग से दिखे ना भाई
लिफ्ट ना दो ऐसा, आज के जमाने का कुछ नहीं पता कौन कैसा बंदा हो, तो लिफ्ट भी देख के देनी चाहिए। और बच्चा है तो क्या करें, लिफ्ट दे दी, बच्चे को मना थोड़ी ना कर सकते। निकल रहा हूँ जल्दी जल्दी से, वीडियो बना सकूँ। कुत्ता आड़ा उतरेगा, आज्ञाकारी संस्कारी बच्चा, इसे कहते हैं विलेजर। बच्चे के बोलने से पता लग जाता है कि बच्चा कैसा है। बोल रहा था भाई आगे तक बिठा ले, छोड़ दे यार, मैं चल बैठा लेता हूँ, बच्चे ने हाथ दिया ही तो। अब उतरते ही बोला धन्यवाद भाई। तो उससे पता लग जाता है यार बच्चों का क्या है कैसे है भाई, बच्चा अच्छा लगता है इसे। भाई ये तो शैतान की कार है, रोडवेज इतनी भयंकर चलाते हैं ना, कट मारेंगे भाई साहब। इनकी रेस देखना कभी, आपस में दो रोडवेज ऐसे चल रही होंगी ना, उनकी कभी रेस देखना, आपस में इतनी ज्यादा खुंदक करके चलाएंगे ना, उसको पहले पहुंचना है, उसको पहले पहुंचना है भाई, इतनी ज्यादा वो करेंगे कि बस अगले बंदे को देखते नहीं, इतनी भयंकर कट मारेंगे बीच से। अभी क्या खाऊं, मेरा खाने का भी मूड है, घूमने का भी मूड है, निकला हूं अकेले ही। अब आगे जो ट्रिपे निकालूंगा वो तो चाचा और के भाई के साथ ही निकालूंगा, पर कभी कभी ऐसा भी होगा कि मैं अकेले ही ट्रिपों पे निकल जाऊंगा, तो भाई उसकी आदत मेरे को तो घेरनी है। अच्छा भाई अभी आदत डाल लेता हूँ। हमारे गांव के अड्डे का ये मोड ऐसा हो गया है कि यहाँ पे घुसते ही अब ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या घुस गए, देखना सामने से हाईवे ऐसा यहाँ पे हो गया ये रेडी, पहले वो था कच्चा रास्ता बिल्कुल, इतना क्लोजअप था यहाँ पे। अब देखो फुल चौड़ा रोड हाईवे ऐसा बना डाला, आगे भी चौड़ा होगा, आगे जाके थोड़ा ये कॉम्पैक्ट सा हो जाता है। ये देखना ये 84 टू लाइन, अब क्या दिखा के लाऊं भाई, लो क्या दिखा के लाऊं। पर भाई नीचे सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, रिक्वेस्ट करता हूँ मैं हमेशा, कोई ये फोर्सफुली नहीं बोलता किसी को भाई सब्सक्राइब करके जाओ भाई, अच्छा लगता है अपना भाई लोग का पूरा बढ़ती है पूरी वो संख्या अपनी, तो भाई वो तो देखने में अच्छा ही लगता है ना कि अपना भाईचारा बढ़ रहा है, फैमिली बढ़ रही है, तो भाई किसको नहीं पसंद होगी ऐसे। अपने भाइयों की संख्या बढ़ते देखना किसको ना पसंद हो, हर किसी कोई बंदा, हर कोई बंदा चाहता है भाई, वो तो सक्सेसफुल बंदे हैं जो उन्होंने मार तो पहले ही हासिल कर लिए, अब आज के टाइम पे है जो बंदे भाई उनका तो क्या ही कहना,
उन्होंने भी ऐसे ही उठ के स्टार्ट किए यार। मैं कह रहा हूँ मैंने इतनी वो कुछ ना होते हुए भी बंदों के इतने ताने से है ना भाई, मैं इग्नोर कर देता हूँ, मैं किसी की परवाह नहीं करता भाई। मेरा ये काम है, मुझे पसंद है वीडियो बनाना, मेरे को पसंद है, मेरे को डालना पसंद है, मैं क्या कर रहा हूँ मेरे को ये दिखाना पसंद है। अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ जाके पता लग ही जाएगा। मस्त जाके मेरे को कुछ खाने का मन है अच्छा सा, तो भाई अच्छा सा तो एक नंबर का तो कहीं और ही जाके दिखेगा ना वही। अभी भाई बंदे देखते हैं ना तब मेरे को एकदम मतलब अंदर से ऐसा हो जाता है ये क्यों देख रहा है भाई, फोटो में से मेरे को देखे जा रहा है, मेरे को अजीब सा लगने लग जाता है ये बंदा मेरे को घूम रहा है तो भाई अजीब सा तो लगता ही है। अभी ये नहीं पता इन हवा की वजह से क्या पता आवाज अजीब सी आ रही होगी, इतनी तेज हवा का प्रेशर लग रहा है ना हेलमेट पे और आवाज में तो दिक्कत पक्का आ ही रही होगी भाई। इसका नीचे से वो लगाना ही पड़ेगा भाई अलग से, इसकी एक शील्ड आई थी नीचे से हवा को वो अलग से हटाने वाली, पर वो ज़्यादा मैंने लगाई नहीं क्योंकि वो पहनते वक्त नीचे से ना अड़े, इस वजह से वो मैंने लगाई नहीं। अभी क्या करूं कहां जाऊं, मेरे को खाने का मूड है, खाने का उधर ही अच्छा है भाई। भाई भाई ना कूदियो मेरे भाई लाडले, यार ये कूद जाते हैं कई बार आगे आके और बहुतों को चोट लगी है इस चक्कर में। ये मतलब चल रहे होंगे और बीच रास्ते में ये नहीं पता लगेगा कि आपको किस टाइम ये आगे आपके कार के या बाइक के किस टाइम आगे आके दुबक जाएंगे। बाकी भाई कुत्तों को या डॉग्स को बहुत पसंद करता हूँ, मैंने घर भी अपना रखा है जिसको प्यार से मैं जुलू जुलू कहता रहता हूँ, मेरे को बड़ी प्यारी है अपना। हाँ डॉग्स मेरे को पसंद है, पेट्स रखना मेरे को पसंद है, खाली डॉग नहीं मेरे को पेट रखना पसंद है, चाहे वो खरगोश हो चाहे वो डॉग हो या और कोई अगर पैरट वगैरह वगैरह हो, पसंद है यार मेरे को जानवर। वो जानवर नहीं पर जो भैंस की आंख दिखते ही ऐसे मतलब खूंखार तरीके में काट ले वो भी अपने आप नहीं बनते भाई, ये भी बंदों की करामात होती है, बंदे बना देते हैं उनको बिल्कुल अग्रेसिव सा हो जाते हैं वो, और वो उनको ऐसा बना देते हैं भैंस की आंख वो दिखते ही काटते ही काटेंगे तो भाई उनसे डर लगने लग जाता है। मारते तो नहीं है फिर भी अपनी बचाने के चक्कर में बंदा उसको मार देता है, पर नहीं भाई मेरा आज तक पाला नहीं पड़ा है ऐसे कि मैंने अभी तक किसी को मारा हो, वो भी बेजुबान जानवर को तो खास कर भाई ना भाई अपने बस की नहीं। आज तो भाई तुम्हारे लिए पूरी महाभारत रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा, पूरी की पूरी महाभारत ही इकट्ठा कर ले जाऊंगा। ये भाई साहब यहाँ का ऐसा दिखते ही ना दिल्ली की याद आती है, मैं एक बार दिल्ली गया था तो ऊपर से देखने पे इतनी सारी पटड़ियाँ दिखती है ना, अभी मेरे साथ कोई नहीं आया, मेरे को खाने का मूड है तो मैं अकेले खाऊंगा। नहीं मेरे को ज़्यादा वो पसंद नहीं है, मैं अकेला ही रहना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि घर पड़ा रहता था तब
जॉब लगने से पहले भाई मेरे को जॉब ही मेरे घर को ने ऐसे दी भाई है कि कुछ काम तो करता नहीं है, घर पड़ा रहता है ऐसे, अकेला ही फोन में लगा रहता है, टीवी देखता हूँ या कभी कभार चाचा और के जा आता हूँ साइड में, तो ऐसे ही ज़्यादा किसी के घर जाता नहीं ना बैठता, अपने में मगन रहता हूँ यार। मेरे को पसंद नहीं है किसी के साथ ज़्यादा वो घुल मिला मिलना, काम से काम रखो और ना मेरे को कुछ ये पसंद है कि कोई मेरे काम में आके ना कराए भाई, मेरे को गुस्सा उठता है कि बंदा कोई आके बोल रहा है मैं अपनी भाई, वो मेरी लाइफ है मैं कैसे जीऊँ, हर किसी की अपनी लाइफ होती है भाई, ये नीचे ना काट दे, नीचे से निकालने में वैसे ही डर लगता है। चला ले यार, क्या हो रहा है, नया नया सीख रहा है क्या, मेन बात क्या है, मेरे को कपड़े देख के आने हैं, आते हुए खाऊंगा जरूर, पर मेरे को चाहिए कि पैंट, क्योंकि मेरी ब्लू पैंट थी वो नीचे से डैमेज होना चालू हो गई है, तो भाई अगर अच्छा सा कोई, इतना मैं रही ज़्यादा तो हूँ नहीं कि कोई से भी पैंट उठा के पहन लूँगा, हाँ मेरे को ज़्यादा पैंटें अच्छी नहीं लगती, एक आधी कंपनी आए मेरे को वो पसंद है, क्योंकि वो मेरे हिसाब से मेरी फिटिंग के हिसाब से अच्छी आती है मेरे को, और कोई सी पैंट पहन लूँगा तो वो अजीब सी लगेगी, अजीब सी दिखती है। इसके बाद चलते हैं मॉडल टाउन के अंदर, वहाँ खा के आएंगे, वो खाने का बड़ा है मॉडल टाउन में, ये है कि खाने का आपको तसल्ली का मिलेगा मिलेगा, कुछ ही खा लो वही मज़े हैं, मज़ेदार चीज़ें मिलेंगी मिलेंगी खाने की। तो ये देखो भाई, पता नहीं यार कैसी लाइफ जीते हैं बच्चे यार, इनको मेरा देख के अजीब सा मन हो जाता है, बच्चे हैं लाइफ है पता नहीं, हो भाई कितनी क्लोज कॉल थी यार, क्या कर रहा है ये बंदा, मेंटल है क्या यार, यार ऐसे ऐसे बंदों को छोड़ देते हैं ना, तो हेलमेट लगाते हैं ना और कुछ करते हैं, ऐसे निकल जाएंगे अफलातून, अभी ये जाम किस चीज का लग गया ये नहीं पता मेरे को, मैं इसकी आँख उधर से निकाल लेता हूँ, अभी लो यार इतना तगड़ा जाम किस चीज का लगा है यार आज, वो भी इधर इधर, तो भाई कोई चांस ही नहीं बनता है कि साइड से कोई, यहाँ पे किस चीज का जाम लगा है मेरे को ये नहीं समझ आ रहा आज, तो भाई साहब उसकी टंकी का वही नहीं है लॉक वाला, क्या हो क्या रहा है, चलो आगे जाके पता लग ही जाएगा क्या है क्यों जाम लगा भाई। एक तो ये मेरी नाक बिच रही है भैंस की आंख, मैंने ये अपना मास्क मंगाया था एक सर पे पहनने के लिए कि भाई पसीने आते हैं, और ये मास्क ना होने की वजह से ना बाल उड़ने चालू ना हो जाएं, इसकी वजह से मैंने एक अपना मास्क मंगाया था पर्सनली अलग से, तो उससे थोड़ा अलग सा लगता है, पर ये इसके अंदर लाइनिंग एक ऐसी दे रखी है भाई कि वो अजीब लग रहा है, अजीब वो पता नहीं क्यों लग रहा है, क्योंकि वो लाइनिंग मेरी बिल्कुल ना नाक के आगे अड़ी हुई है, और वो परेशान करे जा रही है तब से, आगे इधर देख के आऊं, आई लव पानीपत, भाई बंद हो रखा है, फिर मैं देखूंगा क्या, इधर क्या देखेंगे फिर, ये तो बंद है भाई, इस पे तो सीज लगा दिए क्यों, चल चल के देखता हूँ,
भैंस की घूर्ण मत मार भाई, ना तो मेरे को पसंद है। चलो, घूर रहा है बंदा, मेरे को ये तो बिल्कुल ही नहीं पसंद है कि कहीं। वाह वाह बेटे, अरे ताऊ जी घुसा दी थी अभी इधर सामने गड्ढे में, वो उसको कौन से रहे हैं, इधर घुसा दी भैंस की आंख। नहीं मैं रॉन्ग साइड तो नहीं चल रहा, पर मेरे को इधर जाना, इधर आगे कट नहीं था तो आगे से भाई घूम के तो आना पड़ेगा ही भाई। छोटे नीचे भी लिखा ले, मेरे को इधर देख के आने थे यार कपड़े। मॉल चालू है? हाँ चालू है। चल इधर पार्क करता हूँ, कपड़े देख के आता हूँ। आप इतने कुछ देखो, कहाँ पार्क करूँ? क्यों पाँव पाँव कर रहे, आगे लगा दू क्या? अब ओ भाई कपड़े तो इतने पसंद आए ही नहीं। भाई ये तो ना माँ कसम इतना एक्स्ट्रा नेक्स्ट लेवल था कि ना भाई। हाँ इसकी शो आगे की ऐसी बना रखी है कि बंदे को ना दिखते ही पसंद आए। यहाँ पे फोटोज वगैरह खिंचानी हो ना कभी आऊंगा, क्योंकि यहाँ पे ये लिख रखा है ना जो आई, और बीच में दिल बना के रखा और फिर लिख रखा आगे पानीपत, वो बड़ा गजब का लगता है। अभी क्या करना है, कुछ खाना है? हाँ मेरे को भूख लगी है, तो चलो मॉडल टाउन की तरफ ही चलता हूँ यार, और तो क्या ही कहाँ ही जाऊँगा। मॉडल टाउन में बहुत खाने का है, मेरे को आज सवेरे से हो रही थी कि कहीं खा के आऊँगा यार। मेरे को अरसा हो जाता है यार बाहर का खाने का, बाहर का मैं इतना कम खाता हूँ ना, क्योंकि भाई जिम करते हैं तो डाइट कॉन्शियस बंदे होते हैं। हाँ मेरे को वो ज़्यादा पसंद नहीं है बाहर का खाने का, कभी कभार घर पे आ जाता तो खा लेता हूँ, वो भी कभी कभार ही आता है, ये नहीं है कि हमारे घर में रोज आता है, 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में ऐसे ऐसे करके हमारे घर में आ जाता है खाना बाहर का, फास्ट फूड वगैरह वगैरह। वैसे तो हम घर में कुछ भी बना लेते हैं, घर का खाना मेरे को अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और जिम की डाइट तो मैं ज़्यादातर अपने हाथ से ही बना के खाता हूँ। कपड़े कभी और ले लेंगे यार, अभी यहाँ के रेट तो ना कसम से इतने वो है ना एक्स्ट्रा भाई। वो पैंटी इतने की थी, अगर ना बाबा ना, फिर कभी ले लेंगे। दिवाली पे सेल आएगी, दिवाली पे कपड़े लूँगा, और आगे अभी थोड़े दिनों में सेल आ ही जाएगी। तब ले लेंगे, अभी कुछ मस्त सा खा के फिर चलते हैं। अबे यार दिक्कत हो जाती है जब रास्ते में कोई कॉल आ जाए तो। भाई मैं कोई कैमरे से तो शूट करता नहीं हूँ कि यार पता लग जाए क्या है,
आगे मैंने फ़ोन ही टांग रखा, फ़ोन से शूट करता हूँ अपना। हाँ बंदे कहते हैं ये क्वालिटी अच्छी आती है भाई, फ़ोन मेरा ना तो एप्पल है, एंड्रॉयड यूज़ करता हूँ, इसी में क्वालिटी अगर अच्छी आ जाती है तो भाई अच्छा ही है मेरे लिए। हाँ कभी आगे अच्छा सा बजट होगा तब मैं प्रेफर करूँगा आईफोन लेने का, अभी तो भाई दूर दूर तक कोई वो नहीं है कि मैं ले लूँ कोई आईफोन। आईफोन का यार किसको क्रेज नहीं होता यार, हर किसी को होता है, मेरे को भी इच्छा होती है कि मैं भी आईफोन चलाऊं, पर अभी मेरा इतना वो नहीं है कि बजट में आईफोन प्रेफर कर सकूं। तो भाई धीरे धीरे होगा, बजट भी होगा, फ़ोन भी ले लेंगे, बड़ी चीज़ें हैं जो मेरे को लेनी है, पर जो चीज़ें मेरे को व्लॉगिंग में काम आएंगी वो चीज़ें मैं पहले लूँगा। जैसे कि अब भाई बाहर टूरिंग के लिए जाएंगे तो उसके लिए भाई ड्रोन चाहिए, क्योंकि ड्रोन में भाई इतने मस्त मस्त वो शूट आते हैं ना, वो फ़ोन से शूट नहीं आ सकते भाई। ताऊ जी चला लो, ताऊ जी बीच साइकिल खड़ी करके खड़ी हो जाते हैं यार। बाकी ये कट गलत था, ये तो गाड़ी वाले ने ले लिया, मैंने भी ले लिया। चलो इसी बहाने यार रिएक्शन भी शूट हो जाएगा, और क्या, पब्लिक रिएक्शन भी शूट हो जाएगी। बंदा अगर कोई मोटो व्लॉगिंग कर रहा है भाई, पानीपत के अंदर कोई मोटो व्लॉगिंग नहीं करता है, जैसे मैं मोटो व्लॉगिंग कर रहा हूँ हेलमेट पे ऐसे अपना सेटअप सारा सौदा लगा के। अभी यहाँ पे मोटो व्लॉगिंग इतनी कोई कुछ खास करता ही नहीं है। अभी ये बच्चे देखना, ये अभी देखेंगे ना, ये हेलमेट फ़ोन वगैरह वगैरह देख रहे हो। भाई वही चीज़ मैं बता रहा हूँ तुमको भाई, मतलब यहाँ पे मोटो व्लॉगिंग अभी है नहीं, तो बंदा देखे जा रहा है। अभी अगर मेरे पास बाइक होती ना भाई, एक तो बाइक का पंगा है, मैं चलता हूँ स्कूटी पे, मैं एक ऐसा होऊंगा जो स्कूटी पे मोटो व्लॉगिंग करता है भाई, ये अपनी जाने जाए स्कूटी भाई। स्कूटी पे मैंने सब कुछ किया है, पहले स्टार्टिंग ही मेरी स्कूटी से है, मेरे पास स्टार्टिंग से स्कूटी है, मैंने बाइक रखी नहीं अभी तक। तो चलो मॉडल टाउन में चल रहा हूँ, खाएंगे उधर जाके कुछ अच्छा सा मस्त सा, देख रहे हो, मतलब मोटो व्लॉगिंग का क्रेज इतना है ना कि उसमें बंदा देखता है और ज़्यादा वो कर ही देता है। देखते यार बंदे क्या देख ही जाते रहते हैं, बंदा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो देखते रहते हैं, मतलब कि अगर कोई बंदा कुछ अलग सा डिफरेंट सा कर रहा है, वो भी उस जगह पे जहाँ पे कोई ये चीज़ नहीं करता, तो भाई बंदे ऑब्जर्व करते हैं, बंदे देखते हैं कि वो बंदा कर क्या रहा है, वो बना क्या रहा है, इसमें पहनना क्या है। अब उसने पहले बच्चे ने हेलमेट देखा, अभी सामने बाइक वाले ने भी हेलमेट देखा, और जब उसके ऊपर सेटअप देखा तो उसको लगा ये वीडियो बना रहा है। तेरी ओड़ी भाई, नीचे से क्यों ले रहा ओड़ी वाले,
एक शोरूम यहाँ पे भी है रेड टेप का। बस स्टेडियम के पास पहुँचने वाले हैं और यहाँ पे खाने का भंडार ही भंडार है। कसम से इतना खाने का है ना यहाँ पे, बंदा कहाँ थोड़े से लग जाते हैं पैसे वगैरह वगैरह, पर खाने में कंजूसी क्या। वो बंदा ही क्या जो खाने में कंजूसी कर दे। हर टाइप के बंदे होते हैं यार, कोई कैसा प्रेफर करता है, कोई अलग सा प्रेफर करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। मेरे को ये पसंद है तो मैं यही करता हूँ। मेरे को वीडियो बनाना पसंद है, मोटो व्लॉगिंग करना पसंद है, ऐसे अकेले में बड़बड़ाना पसंद है भाई। मैं गाने गाता रहूँगा, गाना सुनता रहूँगा बस। गाड़ी में भी बैठा हूँ ना अपनी, तो उसके अंदर भी बैठा रहूँगा, गाने सुनता रहूँगा, वो भी अकेला भाई। पसंद नहीं है यार, क्या करूँ। छोटा सा रिएक्शन आता है बंदों को देख के। अब ये देखो, वो साइड वाला बंदा भी देख ही जा रहा है। शीशे में मैं देख रहा हूँ, मुड़ के देख रहा है बंदा। अब इसी की जगह अगर गोप्रो टंगा हो तो भाई बंदा सोचेगा भाई बंदे ने गोप्रो टांग रखा है, और वो आता है महंगा। तो चलो, ये आ गए खाने का फूड भंडार। अब इधर लगाता हूँ और खा के थोड़ा सा फिर चलता हूँ। क्या खाऊंगा, चलो खा के दोबारा थोड़ी देर में मिलता हूँ यार। यम्मा बेटे, बहुत पुरानी बाइक है। खा के मिलता हूँ थोड़ी देर में यार। चल ले। स्वादिष्ट फूड भाई, क्या देख रहा है। नहीं मतलब बंदे देखे जा रहे हैं। बच्चे देख रहे हैं भैंस की आंख। अगर उधर हेलमेट भी रख रहा है ना, वो बच्चे हेलमेट को घूर रहे हैं। ये मेरे गांव का लौंडा बिना हेलमेट के चल रहा है। बच्चे मॉडल टाउन की तरफ आते जाते हैं। ये देखो, ये बंदे क्या देख रहा है अभी। यार रास्ते कहां कहां से आते हैं भाई। मैं मॉडल टाउन भी बहुत कम आता हूँ, बहुत कम आता हूँ, तो सीधा इधर ही आता हूँ खाने को, क्योंकि भाई स्टेडियम के आगे खाने के इतने यहाँ पे भंडार लगे रहते हैं। ओह, अब घर जाके क्या खाना, खा लिया। अब घर जाके क्या खाना भाई, खा ही लिया यार। भाईचारा, भाई लोग खा लिया, पेट भर गया, अब चलो घर। क्योंकि घर भी भाई मेरे को काम होते हैं, मैं इतना फ्री वेला बंदा हूँ नहीं जितना मैं दिखता हूँ। 1% भी मैं उतना वेला बंदा नहीं हूँ भाई। इधर से ही चलते हैं साइड से। वाह क्या गजब के रिएक्शन आ रहे हैं यार। मतलब अगर इसके ऊपर, इसके नीचे अगर बाइक हो, KTM वगैरह या सुपर बाइक, तो यार बहुत दूर की बात है। अभी मेरे लिए बहुत दूर की बात है यार, सुपर बाइक लेना तो मेरा हर किसी का सपना होता है यार। बंदा सुपर बाइक एफोर्ड करे, उसके ऊपर बैठ के व्लॉगिंग करे। तो भाई ये तो हर किसी का होता ही है। नहीं मतलब मैं कहाँ घुस गया, मैं शायद गलत घुस गया भाई। मेरे भाई
नहीं इधर से नहीं है यार, मैं गलत घुस गया, मेरे को जाना है सीधा, निकल जा यार। इसकी आँख तुम्हारे जैसे थोड़ी ना ऐसे ही मोड़ देंगे, है पापा की परी देख रही है भाई, तुम्हारे जैसे थोड़ी ना ऐसे ही मोड़ देंगे। पीछे शीशा लगा है भाई, वो किस लिए लगा है, देखने के लिए तो लगा है, शीशे में देखो और मोड़ लो। अब वो देख, ये कुछ होते हैं पापा की परी ही नहीं, लौंडे भी कुछ कुछ होते हैं जो बिना देखे से मोड़ देते हैं। अबे लौंडे नहीं है, इसमें भी लौंडी है भाई, लौंडे जीत गए, लौंडे ऑलवेज विन। इसमें भी लौंडा नहीं है मेरे भाई, दिखाऊं प्रूफ के लिए दिखाऊं भाई, इसमें लौंडा नहीं है भाई, जो अभी इसने ये मोड़ी है ना गाड़ी वो लौंडा नहीं है। ओ बंदा भाई साहब, बच्चा कह रहा, ओ तेरी क्यों देख, वो बोल रहा है, वो देख मेरा रास्ता तो इधर से है मेरे भाई, तो उधर से कैसे चला जाऊं। अबे चिल्ला ले यार, अच्छा बंद हो गई है, कह रहा हूँ अभी तो अफलातून पेल के आ रहा बाइक को, अब ऐसे रोक दिया भाई। उस गाड़ी में लड़की थी, लड़का नहीं था, तो भाई हम सख्त लौंडे पीछे देख के मोड़ते हैं, वो देखा ऐसे ही घुसा दी थी उसने भी। चिल ब्रो, ब्रो या भाई कोई बहना देख रही है या कोई लड़की देख रही है भाई, अफसोस मत करना इसके ऊपर, कोई वो मत करना कि लड़कियों के बारे में बोला, हर कोई नहीं होता ऐसा। अब मेरी बहन को ही ले लो, उसको स्कूटी सिखा रहा मैं, कैसे सिखा रहा भाई, चाबी बंद करके सिखाता हूँ, उसने एक बार गड़बड़ी कर दी थी रात को, स्कूटी सिखा रहा, वो स्कूटी से नीचे उतर रही है, और उसने भाई साहब उतरते ही रेस दाब दी और वो स्कूटी फुर्र कर रही, मैंने तो तभी मारा ब्रेक, मैं कहा बहना मेरी स्कूटी बख्श दे, मेरे पास तो और कुछ भी नहीं है चलाने का। आओ रिएक्शन, रिएक्शंस बंदों के रिएक्शन किसको नहीं प्यारे, जो हम पे जानवारे, बंदों के रिएक्शन किसको नहीं प्यारे, जो हमारे ऊपर जानवारे। भाई क्या कर रहा है, किसका ले यार, ब्लैक फिल्म लगा रखी है एक तो शीशे के ऊपर, अंदर कुछ भी नहीं दिखता इससे। भीड़ भाड़ वाले इलाके से चलूं भी शांति इलाके से चलूं भाई, अब नहीं चलूंगा, भीड़ भाड़ वाली चीज मेरे को ज्यादा पसंद नहीं है, शांति से चलेंगे और शांति का दान दिखाऊं। तो इधर से नहर के पास से बिल्कुल आराम से चलता है बंदा, ये देखो इधर से मतलब कैसे भी आराम से चल लो, कोई दिक्कत नहीं है, उधर से पीछे से आगे कोई पी करेगा, कोई पों करेगा, कोई ई करेगा भाई, वो तो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, नहीं पसंद है, नहीं आई डोंट लाइक इट। अभी यहाँ से जा रहे हैं, सुकून मिलता है कि ऐसे पी पी करने वाला, पोंपो करने वाला पीछे आगे कोई नहीं,
अभी देखना ये वीडियो को मेरे घर के भी देखेंगे, कहेंगे अकेला अकेला खा के आ जाता है, हमारे लिए भी कुछ लेके आ जा। पर भाई 2 दिन पहले इतना खाने का आया है ना घर, मैंने पिछला एक ब्लॉग बनाया था वो था फूड ब्लॉगिंग के ऊपर बना दिया था भाई, एक भाई का नीचे कमेंट आया था तो भाई इसको क्या नकारूं, बना दिया, देखते हैं हमें कैसा लगता है। भाइयों को अच्छा लगा है, ठीक है मोटो व्लॉगिंग कर रहा हूँ साथ में ये, पर मैं ये चीज़ें घुसेड़ना नहीं चाहता बीच में भाई, मेरा मेन चीज़ मोटो व्लॉगिंग है और कहीं पे जाना, नहाना धोना वाटर पार्क के अंदर और ट्रिप व्लॉग्स, मोटो व्लॉगिंग विद ट्रिप व्लॉग्स। भाई मैं बाहर जाऊँगा कहीं तो बाइक तो मैं ले लूँगा, बाइक तो भाई मेरे चाचा के भाई वाली बाइक हो गई, बोल्ट हो गई, बाइक तो है, बाइक चलाने की मेरे को आदत नहीं है इतनी, स्कूटी पे मजा आता है यार, इस पे ना तो गियर लगाने हैं ना कोई वो कुछ है, एक ब्रेक है और एक रेस है बस, भैंस की आँख, टेंशन ही डंडोरा ही खत्म, ना बार बार गियर अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट कुछ नहीं करना, रेस दो ब्रेक मारो बस। हाँ पर इसका एक खतरा है, अगर बाय चांस डकारे आ रही है, अगर बाय चांस अगला ब्रेक बंदे से गलती से दब गया तो भाई ये लंका लगा देती है कसम से, इतनी बुरी तरह गिरेगी ना भाई, रब की मेहरबानी धन्यवाद, मैं नहीं गिरा भाई आज तक। अरे यार बीच में फोन आके ना मूड खराब हो जाता है यार, तो मैं कहाँ था मैं कहीं नहीं था, मैं घर जा रहा हूँ अभी। पी पे जादू क्या, बाकी ये हर रूल्स में जब मैं अपना लाइसेंस बनवाने के लिए गया था ना तो भाई उस पे लिखा था तो भाई उस पे ना हर उस एक चीज पे लिखा था बोर्ड पे कि ब्लो हॉर्न नॉट ब्लो हॉर्न कहाँ बजाना है कहाँ नहीं बजाना है, वो सारे इंस्ट्रक्शंस वहाँ लिखी थी जो आपको फॉलो करनी होती है। भाई ये तो कसम से धसा देगा वहां तक, धास देगा एकदम धास मिट्टी के अंदर, ऊ ला 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 ला, ये पता नहीं कब बनेगी पर ये बनेगी ना, जिस दिन उस दिन बहुत मजा आया भाई, 2 लेन ये बनेगी, ये पास हो रखी है, ये अब कब बनेगी वो नहीं पता, हाँ ये वाली सड़क पास हो रखी है, अब ये पास हो रखी है तो बनेगी तो सही, पर ये है कि लेट बनेगी, बनेगी तो जरूर पर लेट बनेगी। पों 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 पों। अब घर जाके जाऊंगा, पहले तो खेत में क्योंकि वहां से लेके आनी है बरसम, भैंस का गाय का चारा, तो इसी पे लाता हूँ मैं, मेरी कुची पाई पे इसी पे लेके आता हूँ मैं अपना चारा भैंस का,
और फिर घर जाएंगे वापस, और वापस घर जाके फिर वहाँ से रेडी हूँ अपना जिम के लिए। फिर जिम करके अपना जब्बा खैर खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, मौज लेंगे, रोज लेंगे, खोज लेंगे, ना मिलेगी तो हाँ। बड़ा लाइन यार भाई, लाइन से याद आया, घर जाके मैं इंस्टाग्राम की रील भी बनाऊंगा। और भाई इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तो जाके फॉलो कर सकते हो, जाके विजिट कर सकते हो और देख सकते हो। तुम्हारा भाई वहाँ पे भी बना रहा है। कामयाबी छूने की कोशिश बहुत है, क्योंकि भाई जब तक कामयाबी नहीं मिलेगी एक तो मैं रुकने वाला नहीं। सही है भाई, गजब का लौंडा है, कान के फोन लगाए है और मेरे को घूर रहा है। मेरे को घूर क्यों रहा है वो देख रहा है, ये क्या चीज लगा रखी है भाई। ऊपर से हंस रहा है बंदा, ऊपर से हंस रहा है यार। अभी ये देखिए, अभी देख रहा है, अरे लौंडे क्या देख रहा, अभी अभी देखेगा। ए, ए, ए। अगर 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 बाय चांस अगर मेरी ये नौकरी मैं छोड़ता हूँ तो भाई दूसरी चॉइस है मेरे पास, क्योंकि मेरे को करना है गेम। दिल्ली गया था तब आपको बताया था, सभी को, तब सभी को बताया था मैंने कि मेरे को करना है गेम। और गेम कौन सा वो तो पता ही है यार, स्पेशल जाके दिखाया था मैंने, वो थोड़ा सा दिखाया था क्लिप, फिर दिखाया था तो जरूर। अब भाई आगे से आगे कोई देखता है, बंदा नहीं देख रहा, सामने देख रहे हो, ये हैं अपने दादाजी। दादाजी मतलब वो दादाजी नहीं जिसपे हम जोत बत्ती करते हैं, वो सामने दिख रहे हैं आपके पास वाइट वाइट से। वो भी बड़ी मेहनत से मशक्कत से बनाया है, उनको बनवाया है। ये हमारे खेत हैं, इधर ये खेत है और ये हमारा गांव वालों का देसी स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल, हमारा स्विमिंग पूल प्यारा सा, इतना बड़ा है ना, मजा आता है नहाने में कसम से। और एक ये घाट है भाई जिसके हम अंदर कपड़ा चपड़ी इतने तो कहाँ कहाँ से घुस जाते हैं ये नहीं पता। वाह यार क्या भयंकर सनसेट हो रखा है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ओ मेरे दादाजी बैठे हुए हैं उधर सीढ़ियों पे, जोत वाले दादाजी नहीं, मेरे रियल दादा, मेरे दादा, मेरे दादू उधर बैठे हैं, तो देख रहे हैं, ये भी देखेंगे। घूर रहे हैं भाई, क्रेजी रिएक्शंस। भानु भानु टिकी 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 टिकी, हाँ ये रोड थोड़ा सा खराब है पर भाई मेरे को आदत
बहुत तगड़ी पड़ी हुई है यहाँ की, क्योंकि ये मेरा प्यारा सा गांव, पर ना मैं इसको कभी छोड़ के जाऊँगा। अगर मेरे को घर भी बनाना होगा ना आगे फ्यूचर में, इन फ्यूचर हंसी खुशी यहीं बनाऊँगा दूसरा नया वाला घर अपने खेत में। ओ भाई चलो, ये मेरी दादी जी, खोल दो, भारी लगा दूँ, बार लगा दूं, अड़े ला दूं। हाँ खेत में जाना। ओ राइड विद माय स्कूटी पाई कुछ पाई कुछ पाई। ये खड़ी अपनी बिल्लो रानी, मैंने धोया था इसको, बड़ी गंदी हो रखी थी। है हेलमेट में कड़ा पसंद पिछाण में नहीं आते। ये मेरा हेलमेट। ओ तेरी ओ कुची सो राजा मिला बच्चा, सो राजा सो बच्चा। आ तेरी भाई साहब इतने ऊपर कूद जाते ना, मचल गई। हाँ ठीक है, कूदियो मत, गीली होगी ये। आजा भागो। ओ पड़ गई, नको आज ना बंद करो, तुड़वा देगी, इतनी ऊपर उछला है। ना अब नहीं ना, रुक जा इसको उतार लू, रुक जा। हेलो बच्चा घुस गया अंदर। ये मेरा सेटअप हेलमेट का, जो घूर घूर के देखते हैं वो, ये मैंने अपना ये पर्सनल अलग से मंगाया था भाई, व्लॉगिंग के लिए अलग से मंगाया ये मैंने, फायदा भी मैं लगाता तो वो ज़्यादातर तो। और हवा खा ले ठंडी, आ जाओ खा लो तुम भी, बाकी मेरे को रोटी अभी खानी है भाई। वो खा के मेरा पेट नहीं भरता, वो सिर्फ टेस्ट के लिए खाता हूँ, कभी कभी जीभ का टेस्ट भी चेंज हो जाए तो पेट तो मैं उससे ही भरूंगा। अभी भी जब तक लस्सी ना पीऊँ तो पेट थोड़ी ना भरेगा आगे। तो आ जाओ भाई, किसी भाई को रोटी खानी हो तो, बाकी मैं तो बाहर खा के जरूर आऊँगा, पर घर आके जरूर खाता हूँ क्योंकि ये मेरे को बहुत पसंद है लस्सी। अरे ये बताया था ना, देखो ये बैठी इधर नीचे, खा लूँ फिर मिलता हूँ थोड़ी देर में खा के, और फिर चलेंगे खेत में, खेत से फिर वापस आके फिर जिम खा लेता हूँ यार। मेरा मन नहीं रुकता, ना ही मेरा मन मानता। रोटी खाएगा आजा। तो ये चल रहा है डोरेमोन भाई, बड़ा पुराना कार्टून है। और ये देखते रहती है, ये बच्चों की तरह अभी तक देखते रहती है भाई। अपना खाना हो गया, इसको देखने दो, हम चलते हैं अपना खेत में। दादी जा लेने मम्मी, तो भाई खाना खा के मैं आ गया था अपने घर में, और घर में बैठा हूँ, पर छत पे पीछे देख सकते हो खेती खेत मेरे दिख रहे होंगे, तो खेती खेत है उधर, वो पापा है वो उधर सामने, वो लगे हो छोटे से उधर दिख रहे हैं बिल्कुल, वो टीन के पास उधर चाचा और का साइड है, वो दादा भी उधर ही हैं, पापा भी उधर ही हैं, सब उधर है, उधर खाद दे रहे हैं उधर, वो छोटे छोटे धान लगाए हैं ना अभी, तो उधर खाद डाल रहे हैं उसके अंदर। और हाँ
के लक्ष्मण रेखा कीड़ी आ गई, लक्ष्मण रेखा फेरनी पड़ेगी भाई, श्री राम के भाई वाली लक्ष्मण रेखा, सीता मैया की लक्ष्मण रेखा रहा उसने फेरी दी। हम यहाँ पे चींटियों के लिए लक्ष्मण रेखा फेर देते हैं, और रेता नहीं रेखा, लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मण रेखा। भाई नीचे दिखाता हूँ, तेरी रेखा कैसी दिख रही है। डर गई वो, इतने में डर गई। लक्ष्मण रेखा कड़े फिर हो गए, कड़े फिर हो गए लक्ष्मण रेखा। फिर हो गए कड़ा कीड़िया दो रहा कीड़िया की इधर बगैया बनी हुई है इसकी मैया। मैया 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 की इधर सैया, उधर उसकी बच्चिया, इधर मैया। हम लेने चलते हैं वापिस घर लक्ष्मण रेखा, फिर वापिस हम अभी आया। टिकी 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 देख रहे इधर पेड़ बहुत पुराना है। तो क्या साल पुराना पेड़ है मम्मी यो माँ, ये पेड़ क्या साल पुराना है? 11-12 साल का लौंडा है। क्यों डरा रहा तू इन्हें? यहाँ पे डर रही मैं, क्यों डरा रहा? कैच करवाओगी भैया, कैच करवाओगी गुजी 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 गुजी, कैच करवाओगा? कैच करवाओगा? वाह नहीं करवादी, वह तो खैड़ मारा है ते बीबी फू फू कर देगी। बीबी फू फू करे मेरे ते या नहीं कर दी? इतना छुटका सा गुंडा मजे ले रहा, खा लेना लक्ष्मण रेखा लेकर उठा लू फिर आगे वापिस। ये मिल गई लक्ष्मण रेखा, तो इसको चलते हैं लेके। चिको माँ किधर फेरू? अगली साइड। कौन कूने पता ना? खड़को छोटी बड़ी साइड में रखी थी ऊपर उस पे ठलाया तो
बस और कितनी भी ना बस पारते आने किड़ी मकोड़े मकोड़े है क्या मजे तो खारी कुछ नहीं करना मकाले नाने रख दूँ फिर बस आदर ठंडे हो गए